रीवा जिले के मऊगंज अनुभाग में बीते दिन लगातार 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। इस तरह से बढ़ते अपराध संपूर्ण समाज के लिए चिंताजनक हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वे अपने घरों में हो या सार्वजनिक स्थानों पर या कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हर तरह की हिंसा के पीछे एक ही तरह की दास्तान है। अपराध का जन्म इसी समाज में हुआ है, इसलिए समाज को ही उसमें सुधार लाने की दिशा में काम करना होगा। समाज के जागरूक लोगों को महिला अपराध की रोकथाम को लेकर आगे आना चाहिए। शासन प्रशासन के कड़ी कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के लिए हर गली मोहल्ले की 24 घंटे निगरानी संभव नहीं है। ऐसे में हर घटित अपराध के लिए पुलिस को दोषी ठहराना जायज नहीं होगा। हमें अपराध की रोकथाम में पुलिस का सहयोगी बनना होगा। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाना भी आवश्यक है। जहां उन्हें अपराध रोकने के लिए मुस्तैदी से काम करने की सीख दी जाए, वहीं उन्हें अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाए और पीड़ित के साथ भावनात्मक एवं सम्मान पूर्वक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। इन सभी तरीकों को लागू करके हम महिलाओं के प्रति अपराध और घरेलू हिंसा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हनुमना में 2 दुष्कर्म की वारदात के बाद 7 अक्टूबर शुक्रवार को मऊगंज थाना अंतर्गत एक गाँव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है, जो कि लड़की के गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर नाबालिग को धमकाने का भी आरोप है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कल घटना की जानकारी मिलते ही देर शाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। वही मऊगंज थाना प्रभारी LB सिंह के नेतृत्व में मऊगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी शिवम केवट को गिरफ्तार कर लिया है। SDOP नवीन दुबे ने कहा कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 341, 376, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्यवाही कर रही है। शिका हुई आप लोग रिपोर्ट करने आए हैं, छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या है मामला? जी सर, बच्ची विद्यालय जा रही थी, कक्षा 10 में पढ़ रही थी और रास्ते में आरोपी शिवम केवट ने उसके साथ जबरदस्ती तालाब के भीड़ पर हाथ पकड़ के और तालाब के नीचे झाड़ियों के नीचे ले गया और उसके मुंह दबा करके उसका मारा 2-4 फोहा। इसके बाद उसका सलवार तोड़ी और उसके बाद वो बच्ची रोते रोते बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद वहाँ के एक दो लोग देखे तो छोड़ कर भाग गया। तब उसको पहुँचाए उन्हीं लेडीज और जो देखे सामने मास्टर के पास ले गए, तो मास्टर ने बोला पेपर दे लो फिर जाओ तुम घर। तो पेपर देने के बाद फिर रोते घर गई तो घर वालों ने साथ में लेके आए, मऊगंज FIR किया। FIR करने के बाद बोले कि डॉक्टरी होगी, तो मैं बोला कि हो ठीक हो जाए, तो रीवा लेके गए थे तो डॉक्टरी हुई। वहाँ से 5 बजे वापस आए यहाँ, फिर बोले कि जाओ 10:30 बजे आना फिर से, तो 10:30 बजे आया हूँ मैं सर यहाँ थाने पर। FIR हो गई है? जी सर, FIR हो गई। आरोपी क्या नाम है? आरोपी का शिवम केवट नाम है। स्कूल जाते समय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? कल देर शाम एक 17 वर्षीय युवती अपने परिजनों के साथ में थाना मऊगंज में आकर उसने शिकायत किया कि कल दिन के समय लगभग 12:30 बजे वो स्कूल जा रही थी अपनी सहेलियों के साथ में। उसी दौरान में उसके गांव क्षेत्र का
एक परिचित लड़का उसे मिला और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर उसके साथ में दुष्कर्म किया। प्रारंभिक सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उसमें FIR पंजीबद्ध की गई है, जिसमें थाना माओगंज में 628/22 अंतर्गत 341, 376, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धाराओं का समावेश किया गया है। और इसी तारतम्य में शीघ्र ही पुलिस ने पता साझी करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया हुआ है और अभी आरोपी से अग्रिम पूछताछ की जा रही है।